हेलो एवरीवन, दास्ता कल आज और कल में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस दास्ता कल आज और कल को फॉर 50 एपिसोड्स, और होपफुली चैनल ऐसा ही चलता रहे। तो आप भी लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, काफ़ी अच्छा सीखने मिलता है, और लाइफ के कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको भी सही राह दिखा सकती है। मैं हूं असीम गुप्ता। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं प्रोफेशन से, और साथ में अपना प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी करता हूं। वैसे मैं नागपुर से हूं, लेकिन अब यहां कैलिफोर्निया यूएसए में रहता हूं। और कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली ये समय जो है हमारा, जो लॉकडाउन का या कोविड का, उसने डेफिनेटली मुझे भी सिखाई है। कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा जो शायद आपको भी कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्प करे। सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक तो मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जब तक नहीं होगी, तब तक के इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, आपके लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना। खास करके जब आप इतनी सोशली आप बाहर नहीं निकल सकते, लॉकडाउन का पीरियड है, पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो रखना जरूरी है। और उसका एक तरीका यह है कि आप अपने आप को बिजी रखिए, आप ऐसी एक्टिविटीज ढूंढिए जहां आपको इंटरेस्ट है। हो सकता है ऐसी एक्टिविटीज हो जहां पे आपने सालों से नहीं की हो, बिकॉज आप इतने बिजी है वर्क स्केड्यूल में, फैमिली में, बट कोविड के चलते हो सकता है आपको इतना समय मिलता हो जहां आप उतनी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ही, मैंने पेंटिंग जो है सालों से नहीं की थी, और अब सडनली मैं पेंटिंग भी कर रहा हूँ, अपनी डॉटर के साथ भी पेंटिंग, उसको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गार्डनिंग का काफ़ी काम कर रहा हूँ जो कि मैंने सालों से नहीं किया, और इसीलिए नहीं किया क्योंकि शायद कहीं ना कहीं समय नहीं मिल रहा था। तो कोविड के कारण डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो भी एक्स्ट्रा टाइम है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में जा रहा है। मैं कुकिंग भी ज़्यादा कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वो मेरी वाइफ को भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है कि उसको किचन में इतना एंटर नहीं करना पड़ता। तो ओवरऑल जो है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अपने अराउंड बनाना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए और आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन रखिए। आपका जो दिनचर्या है, आपका जो स्केड्यूल है, वो कहीं ना कहीं कोविड के कारण पूरी तरीके से चेंज हो गया है। मेरे लिए ही इनिशियली जब ये फरवरी मार्च में चालू हुआ था, तो बहुत डिफिकल्ट था अपने फिटनेस को भी रखना, अपने फैमिली और वर्क के बीच में बैलेंस रखना। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ के बीच में एक बैलेंस रखिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को साथ में मेंटेन रखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से हो, कोई ना कोई एक्सरसाइज से हो। घर में बैठे हैं तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें घर में भी हम लोगों ने चेंज की है उस हिसाब से, जो शायद आपको भी हेल्प कर सकता है। जैसे अभी हम घर पे अगर ज़्यादा रहते हैं तो ये एक स्वाभाविक होता है कि हम लोग ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा किचन की तरफ जाते हैं, बट उसको भी लिमिट करिए। कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखिए कि कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। कुछ और तरीके ये है कि आप अपने घरों से जंक फूड जो है, या जो भी चीज़ें ऐसी है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उनको कम्प्लीटली निकाल दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर अपने आप को सुधारें, अपने घर में सुधारें, तो आपका जो है ओवरऑल जो है आपकी मेंटल हेल्थ भी बनी रहती है, फिजिकल हेल्थ भी बनी रहती है, जो कि इस समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। पहले ऐसा था कि आप ऑफिस जाते थे, लेकिन एक बार आप ऑफिस से घर वापस आ गए, देन आप एटलीस्ट फैमिली के साथ थोड़ा स्पेंड करते थे टाइम। एटलीस्ट मेरे लिए इनिशियली चैलेंजिंग था, जहाँ पे कहाँ पे वर्क को स्टॉप करना है वो डिफाइंड नहीं था, क्योंकि मैं घर से काम कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर मैं जल्दी चालू कर देता हूँ, जल्दी उठ गया हूँ तो जल्दी काम चालू कर देता हूँ, और फिर लेट तक बैठा रहता हूँ, और बिकॉज ऑफ दैट मैं शायद फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को भी मेंटली डिफाइंड रखें, अपने फैमिली के साथ बात करके कि क्या वर्कआउट हो सकता है, क्या ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे हमारी फैमिली को भी टाइम मिले, जहाँ हमारे किड्स है तो उनको भी टाइम मिले, ताकि ऐसा ना हो कि वो दिन भर या तो कोई स्क्रीन पे वॉच कर रहे हैं या फिर वो लोग गेम्स देख रहे हैं। तो ये किड्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो किसी ना किसी तरीके से उस चीज को बैलेंस रखे। तो अगेन, ये छोटे छोटे टिप थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।